अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। वी विल राइट अ प्रोग्राम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन सी लैंग्वेज। सो वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू मैट्रिसेस। मतलब ये कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मींस माइनस उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं ए और बी की, ठीक है, तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। सो वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र फॉर रो नंबर, कॉलम नंबर, फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स एलिमेंट्स। करा कि हम इस प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज का जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से हम दो इनपुट्स लेंगे। पहली होगी रो नंबर, जो रो वाइज होगा, मतलब एक ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, ये 2x2 है और ये बी इक्वल टू 2x3 मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहले हम रो नंबर लेंगे और देन कॉलम नंबर, और फिर उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट्स यूज़र इनको पुट करेगा। देन वी विल परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑन द मैट्रिसेस एंटर्ड बाय द यूज़र। तब बाद में हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे मैट्रिसेस पे ऊपर जो हम जो कि यूज़र ने एंटर किए होंगे। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मैट्रिक्स वन रो एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स ऑल कॉलम एलिमेंट्स। मतलब वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी तरह वही एग्जांपल है, हम प्रोग्रामिंग में उनको किस तरह से राइट करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको प्रोग्राम को लिखने के लिए कहा जाएगा कि 2x2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाएं, एक इस तरह का प्रोग्राम लिखें सी लैंग्वेज के अंदर, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। सो ए इंटू बी क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के कॉलम से, ये जो कॉलम है 5 और 8, इससे मल्टीप्लाई होंगे और आपस में इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए को बी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 5 प्लस 2 × 8 मीन्स रोज इंटू कॉलम, और उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह 1 और 2 को, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 1 × 7 प्लस 2 × 10, इस तरह ये इसके अंदर दिया हुआ है, और इसी तरह 3 और 4 को भी इस तरह ये जो रो है इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे इन सबको पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद प्लस ऐड करके ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल तो अब हम एक छोटा सा जो सी प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के अंदर, वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह हम इसको राइट करेंगे। तो ये आपने या तो वीडियो पॉज कर लें या जो मर्ज़ी करें, जिस तरह आपको आसानी लगे, ये साइड पे एक रजिस्टर पे लिख लिया करें प्रोग्राम पहले, फिर उसको राइट करके देखा करें काया कि आपने प्रोग्राम ठीक लिखा है या नहीं लिखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, न्यू फाइल ओपन करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, मैं इसको पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ एज अ कमेंट, राइट अ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यूजिंग सी लैंग्वेज। ओके,
अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे दो हेडर फाइल्स आएंगी लिखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। पहली होगी जो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल वो क्या है हमारे पास, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच stdio.h हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच lib.h। उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है वो आएगा int, हमने इंटीजर्स परफॉर्म मतलब लेने हैं तो आउटपुट पे, तो int main सुबह हमारी प्रोग्राम की बॉडी आएगी। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हम कुछ फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करेंगे, तो int a to 10 फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा, रोज एंड कॉलम्स 10x10 ये ए के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद बी के एलिमेंट्स होंगे, बी के वो भी इतने ही होंगे 10x10। उसके बाद जो हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है दोनों को आपस में, मल्टीप्लाई ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनटू कॉलम्स, रोज कॉलम आर को, रोज को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम्स को सी से, और जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल आई एंड जे ले लेते हैं हम, थ्री एलिमेंट जो हमारे पास आउटपुट होगी वो के को रिप्रेजेंट कर लेंगे, आई जे एंड के। उसके बाद सिस्टम क्लियर स्क्रीन CLS उसके बाद हम यूजर्स के से जो हमने कुछ ना कुछ इनपुट लेनी है, सो हमारा प्रोग्राम जो कंपाइलर जो है वो यूज़र से पूछेगा प्रिंट एफ प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज by using scanf हमें जो digits लेने हैं as a input वो कितने होंगे and rows first, सबसे पहले हम rows लेंगे। ठीक है, उसके बाद again printf please हमारा कंपाइलर हमें पूछेगा प्लीज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट आर इक्वल टू बाय यूजिंग स्कैनएफ वी विल टेक द इंटीजर and columns and C. Again printf please enter the first matrix elements
enter the first matrix elements. स्लैश एंड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लाइन एंड हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, फॉर लूप के जरिए हम इनिशियल्स जो हमारे पास है फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन रो एलिमेंट एंड आई प्लस प्लस, सबसे पहले हम लोगों ने रोज ले लिए हैं, उसके बाद जो कॉलम्स भी लेने हैं फॉर जे इक्वल टू जीरो जो इनिशियल होगा फर्स्ट एलिमेंट जे इज इक्वल टू जीरो एंड जे इज लेस देन और इज लेस देन कॉलम्स सी जे प्लस प्लस, उसको जो इंक्रीमेंट ले लेंगे हम एंड देन अगेन वी विल सी स्कैन एफ बाय फॉर टेकिंग द इनपुट वॉट डी, क्योंकि हम इंटीजर ले रहे हैं एंड ए रोज एंड कॉलम्स जो हमने लेने हैं आई एंड जे, उसके बाद पहले हमने फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स का नंबर ले लिए हैं, अब हम सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, प्रिंट एफ विल यूज प्रिंट एफ प्लीज एंटर द सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट स्लैश एन, उसके बाद अगेन हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल जो हमारे पास जीरो से स्टार्ट करेंगे हम आई इज लेस देन रो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास होगा आई प्लस प्लस, देन अगेन हम फॉर लूप लगाएंगे कॉलम्स के लिए फॉर जे इक्वल टू जीरो जे इज लेस देन कॉलम्स सी जे प्लस प्लस फॉर इंक्रीमेंट, and then by using scanf jo digit hum use kar lenge for mod d and b, matlab jo hamare paas a aur b to matrices hai hamare paas b ke, pehle humne a kya liya tha यहाँ पे ऊपर हमने ए कर ए के लिए लिया, अब हम बी के लिए ले रहे हैं आई एंड जे,
उसके बाद अब हमने आई और फर्स्ट ए और बी के मैट्रिसेस तो ले लिए, अब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी तो करवाना है हमने। उसके लिए हम एक और फंक्शन लगाएंगे बनाएंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे, प्रिंट एफ फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू मैट्रिक्स इक्वल बाद अगेन हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन आर जीरो एंड फॉर इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस अगेन फॉर लूप लगाएंगे कॉलम्स के लिए, जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन कॉलम मीन्स सी जे प्लस प्लस। उसके बाद जो हमने जो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है तो एम यू एल मल्टीप्लीकेशन फॉर ऑफ आई एंड मैट्रिक्स जे इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद अगेन हम फॉर लूप लगाएंगे, जो हमने थर्ड हमारे पास आउटपुट लेनी थी k इक्वल टू जीरो, k इज लेस देन कॉलम्स c k प्लस प्लस। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर करवाएंगे आई और जे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स आई एंड मैट्रिक्स जे। इक्वल टू जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट ए मैट्रिक्स जो होगा उसके रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कराएंगे आई एंड जे मैट्रिसेस जे एलिमेंट्स। उसके बाद स्टेरिक मींस इनटू बी, मतलब ए के रोज और कॉलम्स, ए के एलिमेंट्स इनटू जो बी के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, के एंड जे। उसके बाद हम रिजल्ट को भी तो हमने प्रिंट करवाना है, नाउ वी आर printing the result इसको हम एज अ कमेंट ले लेते हैं।
उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियल जो हमारे पास होगा इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन आर मीन्स रो, फर्स्ट इनिशियल होगा वो प्लस प्लस, उसको हम इंक्रीमेंट लगवा देंगे। अगेन हम फॉर लूप लगाएंगे कॉल उसके लिए जे एलिमेंट्स के लिए, फॉर जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे इज लेस देन कॉलम्स सी, जे प्लस प्लस, स्वाद अगेन हम प्रिंट एफ यूज करेंगे फॉर प्रिंटिंग समथिंग, मॉड डी मतलब कि हमने हमें जो हमारा रिजल्ट मिलेगा इन डिजिट्स की फॉर्म में, एच डी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स जे, एंड देन अगेन प्रिंट एफ, यहाँ पे न्यू लाइन हमारी जो है वो एंड हो जाएगी। एंड देन अगेन हम जो हमने इनपुट और आउटपुट्स लिए हैं उसको फंक्शन इनपुट दिए है, तो उस फंक्शन को हम रिटर्न भी तो करवाना है, सो रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, इस तरह हमारा ये प्रोग्राम एंड हो चुका है। हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, जस्ट हम इसको रन करते हैं, सब पहले सेव कर लेते हैं इसे फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वन, जस्ट हम इसको सेव कर लेते हैं। जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह का कोई एरर वगैरह नहीं है, ये देखें किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है, ना ही वार्निंग दे रहा है। आउटपुट साइज 130 के भी ले रहा है, और उसके बाद अब हम इसको रन कर लेते हैं। जी हमारे पास यहाँ पे ये कुछ एंड प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम टू रोज चाहते हैं, टू रोज चाहिए और हमारे पास टू ही कॉलम्स चाहिए। प्लीज़ एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, जब हमारा क्योंकि हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे राइट करेंगे। फिर यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3 and 4। अब सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कह रहा है, आप एंटर करें 2, 3, 4 and 5, ये देखें। तो 2x2 जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसके दोनों को मल्टीप्लाई किया उसने, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 6 and 16 आया। ठीक है, तो अब हम 2x3 मैट्रिक्स दोबारा करके देख लेते हैं। प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ रोज टू रोज एंड कॉलम्स जो हमारे पास 3 होने चाहिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के थ्रू डिफरेंट रिजल्ट्स होगा इनका। प्लीज़ एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं आपके वो कौन से होंगे, मैं डिफरेंट कर लेता हूँ यहाँ पे 5, 6, 7 and 8, उसके बाद
प्लीज एंटर द सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट्स, मतलब हमारे पास हमने जो टू रोज थी, हमारे पास रो फर्स्ट जो रो जो है उसमें 5, 6, 7 है, और सेकंड रो के अंदर क्या है 8, 32 and 1। उसके बाद अब हम हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखेंगे 1, 4, 7, 9, 4, 3। अच्छा तो अब हम हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आए हैं वो कितने हैं जी, 770 है, 48 and 1078। ठीक है, आप कोई किसी भी तरह जो कॉम्बिनेशन है आप उसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आपको समझ आ गई कि हमने मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।